चाहे कोई कितना भी गुस्से वाला हो, चाहे कैसा भी, ऐसे समय पे वो भी संभालता है कि नहीं इसकी डिलीवरी हुई है, नहीं इसके साथ ऐसा नहीं, इसको संभालना है। कोई नहीं भी तो नहीं, 15 दिन तो कोई भी करके जाता। मैं बता देती हूँ, मेरे को मेरी बड़ी बेटी थी, मैंने 3 दिन दवा खाने से थी, मैंने खुद अपना काम किया था। अब मैं भी किसी को जाके बोलो, मेरे को बच्ची होती थी मैं खुद करती थी। अरे भाई, औरत किसे कहते हैं, औरत किसे कहते हैं। अगर किसी के घर पे कोई नहीं करने वाला तो उसको खुद करना पड़ेगा। हाँ बात है। और कौन सी पढ़ी लिखी बड़े घराने की थी? हाँ सुनीता, कौन? हाँ बिल्कुल सही बात है बहन। बहन मेरी कौन सी इतनी पढ़ी लिखी बड़े घराने की थी, जो उसको 4-5 नौकर मिलेंगे साथ में उसका काम करने वाले। खुद वो अकेली हो गई, गांव से आ गई, अकेली रहने लग गई 4 बच्चों के साथ। उसको अकेला परिवार चाहिए था, तो सब कुछ अकेला ही करना पड़ेगा, भले कितना भी तकलीफ आएगी, कुछ भी करना ही पड़ेगा। 4 बच्चों को मैं ऐसा कुछ नहीं, ये सारी झूठ बोलते हैं भाई। किसी औरत को 6 भी बच्चे रहेंगे, 7 भी रहेंगे तो अपने बच्चों को खुद लेके जाएगी। वो बच्चे पैदा करते हैं ना तो पब्लिक के भरोसे बच्चे पैदा नहीं करते, किसी रिश्तेदारों के बच्चे भरोसे बच्चे पैदा नहीं करते, वो अपने बल पे बच्चे पैदा कर। जब 9 महीने वो पेट में बच्चा रख सकती है, जन्म देते वक्त वो अपने उसको ये भी नहीं पता रहता मैं जीऊंगी कि मरूंगी, तो वो बच्चे उसको ही पालने पड़ेंगे। तू एक अलग से औरत नहीं कि जो तूने 4 चांद लगाए थे पाकिस्तान में कि देखो मैंने बच्चे पैदा किए और मैंने ये किया। हर ऐसी औरत होगी पाकिस्तान में जो किसी का कोई करने वाला भी नहीं रहेगा, बेचारी वो करती रहेंगे। अरे ऐसी ऐसी औरतें रहते हैं जिनको पूरा 9वां महीना लगा रहता है, फिर भी वो बेचारी खेत कैरों का घरदार का काम करती है ना। गांव वाली तो कितने काम करती सुनीता, गांव वाले अगर वो गांव वाली जो होती ना औरतें, कितने बच्चे पालती, खेती बाड़ी करती, घर का झाड़ू कट का पोछा करती, खाना बनाती, कितने काम करती है वो। तो नहीं अभी बारी, आज तो इस पंडित की बारी है, कल पे इस पंडित की बारी थी, अभी आगे आगे वो बबीता की चमची की बारी है। देखो जो धोखा देता है वो धोखा खाता भी है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। इसने हैदर को धोखा दिया, अभी इसको धोखे मिल रहे, धोखे तो इसको मिल ही रहे। ये सोच के आई थी क्या और इसके साथ क्या हो गया? बहन मेरी इसकी जिंदगी ना पाकिस्तान में अच्छी थी, ठुमके विमके अपनी अय्याशी की जिंदगी जी रही थी, अब ये यहाँ पे। सही बात है। और मैंने आज एक नई रील, आज रील देखी सुनीता, मैंने आज एक रील देखी, रील में आज से 10 दिन पहले बबीता जो है ना, पपीता क्या बोल रही थी, मैं तो अभी भगोड़ी के घर नहीं जा रही, मैं उसके पास उठना बैठना नहीं कर रही, फिर भी आप लोग मेरा नाम लेते हो, मैं अपने चैनल पे अभी काम करूंगी, मैं अपने वीडियो डालूंगी, आप लोग मैं जाऊंगी उसके पास तो भी मेरा नाम रखते हो, नहीं जाऊंगी तो भी नाम रखते हो। अभी आज ही उसके पास गई है, रील पोस्ट की बबीता ने, आज ही उसके पास गई है। वो गाना है मैं आवाज दी तो लो मैं आ गई, तूने आवाज दी लो मैं आ गई, वो गाने में रील बनाई है, पता है बबीता से घर पे गई है। अरे बबीता भी वेश्या है, बबीता ने भी पटाके रखे होंगे कोई, क्यों आदमी तो पतला दुबला है जैसा लप्पू है, तो बबीता भी वेश्या बन चुकी है। जैसे ये झूठ बोलती तो बबीता भी वेश्या अपन करके झूठ बोल रही है। हम तो ये सोच रहे कि जाने दो भारत की बेटी, लेकिन इतनी बेशरम है तो कोई नहीं, इसको भी मिल जाएगा नतीजा कोर्ट का, इसको भी नतीजा कोर्ट का मिल जाएगा। बोलती है मैं घर गृहस्थी वाली औरत हूँ, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मुझे क्या समझाए तुमने, मैं चरित्रहीन हूँ क्या? वो तुम्हारी घर गृहस्थी देख ली थी, एक छिनाल को तुम लोग ने घर में पना दी थी ना, वो देख लेते कितने तुम लोग चरित्रहीन है कि नहीं है। इतने इज्जतदार वाले रहते ना तो इस भगोड़ी को अपने घर में पना ही नहीं देते थे कि नहीं देते भाई, हम हमारे देश से गद्दारी नहीं कर सकते। लेकिन तुम तो सबसे बड़ी वो चरित्रहीन थी कि वो कहते ना, इन लोग ने तो कोठे वालों को भी माफ करके रखा, उनका भी एक टैलेंट रहता, उनकी भी एक वो रहती अपनी जिंदगी, इज्जत तो खुद की इज्जत रहती है और खुद के रिस्पेक्ट रहते हैं कि वो मर्दों के पास खुद नहीं जाती, मर्द उनके पास चल के आते हैं। सही बात है। पर ये बबीता बहुत झूठी निकली, बहुत बहुत बोलते ना झूठी और बकवास निकली, कभी कुछ बोल रही है कभी कुछ बोल रही है, बोलती मैं इसके बाद जाना छोड़ती, जाने नहीं हूँ, बराबर मेरे भाई ने लिखा है भगोड़ी को 10,000 से नहीं भाई, उसको 10,000 से नहीं पेट भरता, उसको 36,000 चाहिए, उसको 36,000 के गुणों का एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसके में भी 36 गुण रहेंगे, उसको 10,000 से पेट नहीं भरता, 10,000 तो उसने पाकिस्तान में बना के रखे थे, उसको 36,000 चाहिए 36 गुणों का। एक तो यार उसका वो भाई कम सही है, वो एपी सिंह दगड़दल्ला, उसका ही वो बच्चा पैदा करने वाले, वो मामा से अभी पापा बनने वाला है। विष्णु जी मैं आपका मैसेज नहीं देखी, अभी देख रही हूँ, नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो, हाँ अच्छा, अभी मेरे को मैसेज बंद हो गए थे, अभी आ रहे हैं। और बोलो सुनीता, तो ये